हमें खबर मिली थी कि आपका गोडाउन नकली और मिलावटी सीमेंट से भरा पड़ा है। हमने छापा मारा और चेक किया तो वहाँ कई ट्रक भर के नकली सीमेंट पाया गया है। ये भूल जाऊं मैं कि इस घर से मेरी बेटी को निकाला गया है, या ये भूल जाऊं कि मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा के उसे हॉस्टल भेजा गया? पुलिस तो गई थी सोम श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसने पुलिस को कौन सी पट्टी पढ़ा के सारा इल्जाम बाबू के सर मढ़ दिया। इसका मतलब सौम्य को हम पर शक हो गया था, इसीलिए उसने चाल पलट दी। हाय प्रतिष्ठा। निशान तुम यहाँ? ना कोई फोन किया ना आने की खबर। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तुम्हें आके सरप्राइज दूँ, तो बस चला आया। क्या हो गया आप? बहुत परेशान लग रही हो, आज ऑफिस भी नहीं आई। सब कुछ ठीक तो है? मैं ठीक हूँ निशांत, मगर इस घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो पता है मुझे। अंकल जी और मासी का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अंकल का मिजाज तो वैसे भी गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पे तो गुस्सा हो जाते हैं। नहीं निशांत, अंकल जी अब वैसे नहीं रहे, पर पहले जो उन्होंने कुछ गलत काम किए थे उसका परिणाम आज मिल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हार्ट अटैक वाली बात जब आस्था को पता चली तब क्या होगा। मैं भी वही सोच रही थी, और मासी भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान है। अगर वो आस्था को बता देती है सब कुछ तो पता नहीं आस्था अंकल जी के बारे में क्या सोचेगी, और वो अगर उसे नहीं बताती तब भी आस्था को पता चल ही जाएगा, उस वक्त वो अंकल जी के साथ साथ मासी के बारे में क्या सोचेंगी। ये सारा मामला तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का, अगर अंकल मासी को मना लेते हैं तो बस बात वहीं पे दब जाएगी। लेकिन मासी नहीं मानेंगी। अरे मान जाएगी, एक हस्बैंड वाइफ के झगड़े ऐसे ही होते, तुम इसमें परेशान होके क्या कर लोगी? हम परेशान इसलिए हैं कहीं मासी घर छोड़कर चली गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही होता है, पहले तो वो बहुत सारा झगड़ते हैं फिर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खैर ये सब चीजें तुम्हारी समझ में कहाँ आएंगी, शादी करोगी तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा कुछ। ना ही मैं शादी करूंगी और ना ही मुझे कुछ जानना है। तुम ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जाओ अब। कहाँ? तुम ऑफिस जाकर सारा काम खत्म कर लो, मैं शाम को तुम्हें फोन करके गार्डन में मिलती हूँ। ओके मैडम, जैसा आप ठीक समझे। आप जो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर है, और वैसे भी मैं मुजरिम को नहीं जुर्म को खत्म करने पर विश्वास रखता हूं, लेकिन आप जैसे लोग मुजरिमों की मदद करते हैं, हाँ उनकी वजह से उनके हौसले बढ़ जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब समझता हूं, अब जो कुछ भी होगा वो कानून के दायरे में होगा, समझे आप? हेलो इंस्पेक्टर। आइए मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय? इंस्पेक्टर बाबू कहाँ है? रनौड़े। यस सर। ये होंगे अंटू सर। सर, सर। श्रीवास्तव। ये पुलिस स्टेशन है। बाबू तूने आखिर ऐसा क्यों किया? नहीं, तूने जितनी सैलरी मांगी मैंने दी, तुमने और भी जितनी भी मांगे की, मैं उन सारी मांगों के लिए राजी हो गया, फिर भी ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? साहब मुझे मुझे नहीं लगा कि पुलिस को पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, और सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से भावना एंटरप्राइजेस का नाम बर्बाद हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने वक्त रहते पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। सोचा है कभी
कि अगर ये सीमेंट फ्लाईओवर बनाने में इस्तेमाल हो जाता तो वो फ्लाईओवर कितना टिकता, कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। ये बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया, बताओ। मिस्टर श्रीवास्तव आप बैठिए। ये सब बातें मैंने इससे पूछ ली हैं, मगर इसने कुछ नहीं बताया। इसे ये गलत फहमी है कि आप इसे रिहा करवाएंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे क्यों रिहा करवाऊं? एक गुनहगार की मदद मैं क्यों करूं? क्योंकि एक गुनहगार की मदद करने वाला भी खुद गुनहगार बन जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप इसे रिहा मत कीजिए, इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाइए आप। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे रिहा करवा दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। शेर के मुंह एक बार खून लग जाता है ना तो वो बेदर्द हो जाता है। वो जिसे भी मार रहा है उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि मरने वाला कितना तड़प रहा है, उसे तो बस अपने पेट की भूख की पूरी होती है। और तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं लालच ने जगह बना ली। इंस्पेक्टर साहब आप इसे मत छोड़िएगा। इसे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक ये असली गुनहगार का नाम नहीं बता देता हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बिल्कुल सही कहा। कनौड़े जा लेके इसको। साहब मुझे छुड़ा लीजिए, साहब मुझे छुड़ा लीजिए, साहब। हाँ तो मिस्टर श्रीवास्तव, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको किसी पर कोई शक है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी हरकत करे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी? मिस्टर श्रीवास्तव हमारे भी कुछ उसूल होते हैं और हम उन्हें कभी क्रॉस नहीं कर सकते। उस इन्फॉर्मर का नाम हम कभी बाहर नहीं ला सकते। आई टोटली अग्री विद यू इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अगर पुलिस इस तरह इन्फॉर्मर्स के नाम लीक करने लगी तो लोग पुलिस की हेल्प नहीं करेंगे। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद करने की कोशिश कीजिए और अगर किसी पर शक हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और मेरा ही क्यों, ये तो हर किसी का फर्ज होना चाहिए कि जुर्म को खत्म करने के लिए वो कानून की मदद करें। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस केस में मिस्टर श्रीवास्तव का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। कोई बात नहीं, सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अब टेंशन लेने से कहा होगा मैडम? मैं टेंशन नहीं ले रही हूं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ सेट था फिर चाल कैसे पलट गई। मैडम वो तो बाबू ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया, इसलिए स्वामी श्रीवास्तव बच गया, नहीं तो इस वक्त तो हवालात में होता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम बाबू तक कैसे नहीं पहुँच पाए। मैडम हमने पहुँचने का पूरा कोशिश किया था, लेकिन अब पुलिस का शिकंजा हमारे शिकंजे से बड़ा निकला। जब तक हम पहुँचे पुलिस ने उसको धर लिया। ब्रज बिहारी कोई चक्कर जरूर है, पता करो कि ये सब स्वामी ने इतनी आसानी से कैसे किया। जाकर बाबू से मिलो, उससे सच्चाई जानने की कोशिश करो। वो तो हम करेंगे मैडम, मगर आप थोड़ा होशियार रहिएगा क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पूछताछ में वो सीमेंट सप्लायर कहीं सच न उगल। ब्रज बिहारी जो लोग तूफान में कश्ती लेके उतरते हैं ना, वो तूफान से लड़ना भी जानते हैं। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीमेंट सप्लायर से मैंने फोन पर डील की थी, ना उसने मुझे देखा है ना मैंने उसे। अगर उसे पुलिस ने अरेस्ट कर भी लिया तो पुलिस को बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। मतलब पुलिस का खोज बाबू पे जाके खत्म? बिल्कुल, मगर तुम्हारा बाबू से मिलना जरूरी है। लेकिन बाबू क्यों बदलेगा, वो मेरा बहुत ही पुराना एम्प्लॉई है और मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ, फिर वो क्यों बदलेगा? और देखो एज ए विश्वास
अगर हम बाबू को बार बार मिले तो पुलिस को शक हो जाएगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमें बाबू से इतनी हमदर्दी क्यों। और विश्वास, अगर पुलिस को एक बार ये शक हो गया तो फिर उन्हें ये पता करने में देरी नहीं लगेगी कि बाबू को हमने बहुत सारे पैसे देकर हमारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कन्विंस कर लिया। तो सर फिर आगे क्या करना है? वेल, हमने तो हमारा काम कर लिया, अब ये बात बाबू और पुलिस के बीच की। लेकिन मुझे बस ये पता लगाना है कि आखिर ये कौन कर सकता है, मतलब ये नकली सीमेंट हमारे गोडाउन में किसने रखा है? आई एम श्योर सर, वो आपका कोई दुश्मन ही होगा। उसी का तो पता लगाना है। जरा सोचो विश्वास, एन मौके पर अगर मैंने बाबू को सेट नहीं किया होता तो शायद इस वक्त मैं और तुम हवालात में होते। सर अगर बाबू ने सब सच बता दिया तो? नहीं उगलेगा। अगर बता दिया तो? हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब किया किसने। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास। क्या तरीका? वो जो सीमेंट सप्लायर है, हम उसे जाकर मिलते हैं, उससे पता करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से हम ये सब बता देगा? और हो सकता है कि शायद ऐसा करने से बनती बात बिगड़ जाए। तो सर फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये हरकत की किसने? पुलिस सब कुछ पता लगा लेगी। हमें उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कमाल है सर, मुझे यहाँ इतनी टेंशन हो रही है और आप इस बात को इतनी आसानी से ले रहे हैं। आपको बाबू पर पूरा भरोसा है ना? विश्वास, जिस इंसान का पैसों पर भरोसा होता है ना, वो हमेशा बहुत ज्यादा भरोसेमंद होता है। बाबू अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो वफादारी निभाएगा तो मैं उसका मुंह नोटों से भर दूंगा, और इसीलिए वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन हाँ, हमें जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि मैंने उसे यही वादा किया है। तो किसी लॉयर से बात किया आपने? या मैं अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करना होगा, लेकिन उसे बाहर निकालना होगा। या विश्वास, बहुत अच्छे समाचार, मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया। बहुत यस यस यस, ये भी मेरी मेहरबानी है, क्योंकि दुश्मनों ने बहुत कोशिश की कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना हो पाए, ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। हम बर्बाद हो जाए, यू आर राइट। लेकिन मैंने सेटिंग कर ही दी, अब दुश्मन बौखला कर खुद ब खुद सामने आ जाए। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिज बिहारी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, हमको पता हम क्या बोल रहे हैं, अभी बकवास नहीं है, पूरी सत्य कथा है। आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद ही पता करवा लीजिए। तो स्वामी ने मजदूरों की मांगे पूरी कर दी? अरे इसी बात का तो ताज्जुब है मैडम, कि बिना कोई मांग पूरी किए ही एक एक मजदूर काम पे लग गया। आवाज नीचे ब्रिज बिहार, ये कैसे हो सकता है कि बिना मांगे पूरी किए मजदूर काम पे लग गए? कोई तो बात जरूर है, कोई चमत्कार जरूर हुआ है, सौम्य की जीत हो रही है। ये उसका चमत्कार नहीं है मैडम, बल्कि हमारी कमी है, हमारी गलती है, जिसकी वजह से हमारी हार हो रही है। हार मुझे मंजूर नहीं है ब्रिज बिहारी, क्योंकि पूरी जिंदगी में हारती हुई आई, अब बारी सौम्य की है। न मेरे पास वक्त है और न पेशेंस, इसलिए इस बार उसको हारना पड़ेगा। मैडम हमको विश्वास है कि सौम्य श्रीवास्तव को शुरू से ही हम पर शक था, इसलिए वो चुपचाप तैयारी में लगा रहा और जैसे ही मौका मिला फायदा उठा लिया। तो तुम्हारे होने का क्या फायदा है? मैडम अब तो अली को भी सौम्य श्रीवास्तव ने नौकरी से निकाल दिया, वरना सच्चाई का पता तो चल ही जाता। ब्रिज बिहारी, मुझे किसी भी कीमत पे सौम्य श्रीवास्तव जेल में चाहिए, ताकि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वो सर उठा के ना जी सके। ¶¶
क्यों काट रहा है मेरा? हाय। तो मेरा फोन क्यों काट रहे थे? अब मैं तो आ ही रहा था, सोचा तुम्हारे मोबाइल के पैसे क्यों खर्च करूं, तो नहीं उठाया। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, खुद बुलाते हो, लेट आते हो और मैं वेट करती रहती हूँ। सॉरी, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम। या ट्रैफिक प्रॉब्लम। अगर तुम्हें पता है कि इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है तो घर से जल्दी नहीं निकलना चाहिए? ओके ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं चीज का ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी तो अपना मूड अच्छा कर लो। तो कैसे मूड अच्छा कर लो, घर में सबका मूड खराब है। शांत, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं कहते, जिंदगी है, खुशियां और गम दोनों हवा के झोंके की तरह आते जाते रहते, इसमें इतना टेंशन नहीं लेते। तुम नहीं समझ सकते निशांत, जिस पे गुजरती है सिर्फ उसे ही पता चलता है। तुम एक बात आज मुझे सच सच बताओ कि नेहा तुम्हें एवरी टाइम क्यों फोन करती है, चाहती क्या है तुमसे? मुझे क्या पता यार। देखो तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे छुपाओ मत। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा भला? ठीक है, पकड़ो अपना फोन, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बता दो। बताओ। नेहा बहुत अच्छी लड़की, मुझे पसंद करती है। सिर्फ पसंद करती है? हाँ, मुझे प्यार भी करती है। सिर्फ प्यार करती है? मुझसे शादी भी करना चाहती है। ये तो तुम उसकी बात बता रहे हो, तुम्हारी मर्जी क्या है? पता नहीं। हाँ, पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। प्यार करते हो? शायद। अब ये शायद का क्या मतलब है? हाँ, मैं उसे प्यार भी करने लगा हूँ और उसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो कर लो ना, उसे क्यों इंतजार करवा रहे हो? अपना शो हो जाने के बाद मैं उसे दिल की बात खुल के बताऊंगा। जब तुम उससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो शो का वेट क्यों कर रहे हो? जाओ बोल दो उसे अपने दिल की बात। अरे बाबा, इन सब चीजों के लिए टाइम है, अभी हम लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात बुरी तो नहीं लग रही ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा, पर गुस्सा तो इस बात पे आ रहा है कि आज तक तुम मुझे धोखा देते आए हो, ये सब कुछ छुपाया तुमने। बाबा, तब तक बस दोस्ती थी, अब तो जाकर बात आगे बढ़ी है। मुबारक हो। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ मैं। अरे सुन तो लो। भाई साहब। आरती, भूमिका ने खाना खाया? नहीं। क्या तुम एक बार भूमिका से मेरी बात करवा सकती हो? जी, वो यहीं पर है। और अरे, एक काम करो, तुम स्पीकर फोन पे रखो। जी ठीक है। हेलो भूमि, तुम सुन रही हो ना? देखो, तुम अगर मुझसे बात करना नहीं चाहती हो मत करो, लेकिन प्लीज प्लीज भूमि, खाना खा लो। देखो, अगर तुम चाहती हो तो साथ डिनर पर चलेंगे। प्लीज प्लीज, देखो इस तरह भूखा रहकर अपने आप को सजा मत दो।
मुझे तो मेरी बात सुन रही हो ना भूमि? हेलो बच्चों की तरह हरकतें मत करो। जब वो माफी मांग रहे हैं तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम सिद्धांत को माफ कर दोगी? मैं जानती हूँ भूमि, किसी के दिए हुए दर्द को भुलाकर उसे माफ करना आसान नहीं होता। और मेरे अतीत ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए और आज उन जख्मों को देने वाला ही उन पर मरहम लगा। पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अगर वो अपने किए पर पछता रहे हैं तो हो सकता है भाई साहब भी अपने किए पर पछता रहे हो। पति पति को मौका दे सकती है, पर एक माँ अपने बच्चों पे हुए जुल्म को कैसे भूल जाए? इन्हें माफ करने का अधिकार सिर्फ आस्था को है, क्योंकि जो दर्द सौम्य ने आस्था को दिए हैं ना, वो मेरे दर्द से कहीं बड़े हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां पिता की आंखों की ठंडक होती है, लेकिन मैं अभिशाप बन गई। मैं कितनी खुश थी कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, अब हम साथ में रहेंगे, मगर तकदीर को कब क्या मंजूर है ये कोई नहीं बता सकता। ये सारा मामला तकदीर का ही तो है। अगर जो हम चाहें वही होने लगा तो इस दुनिया से दुख तो दूरी हो जाएगा। गलत। अगर हर आदमी अपने सुख के बारे में सोचेगा तो उसके सुख से किसी को कौन सा दुख पहुंचता है ये कोई नहीं सोचेगा, और दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख भर जाएगा। इसलिए तकदीर के फैसले तकदीर पर ही छोड़ दीजिए। मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, शायद करिश्मा हमें भी चारा डाल रही है। लेकिन असली बात तो तब समझ में आएगी जब सच्चाई का पता चले। बस अगर मेरी बात सच निकली तो मैं करिश्मा को बर्बाद कर दूंगा।